हुई कि नहीं हुई बताइए। घुसपैठी का वोट लेके जो प्रधानमंत्री बना वो भी शायद घुसपैठी होगा, इसका मतलब ये बात भी है। आवाज ऊपर नीचे हो जा रहे हैं तो बंद कर दिया तो सही समझ। हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस उम्मीद के साथ कि ये बिल जो है वो संविधान के मूल ढांचे पे हमला किया गया है, बराबरी का अधिकार को छीनता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हिंसा बंद होगी तब सुनवाई होगी। हमको हंसी आने लगा कि ये बताओ कि हिंसा प्रोटेस्ट करने वाला आदमी तो चुपचाप बैठा हुआ है, हिंसा कौन करता है? हिंसा तो जो लोग सरकार में होते वो ना करते हैं, तो उनको बोलिए हिंसा बंद करें। हमसे क्यों बोल रहे हैं भाई हिंसा बंद करें, हम कौन सा हिंसा किए हैं? और उसके बाद 22 जनवरी का डेट दिया, एक महीने बाद का डेट दिया। क्यों दिया एक महीने बाद का डेट? थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर देखना चाह रहा था कि मुल्क कितना खिलाफ है बीजेपी के। तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया जब माँ बहन सड़कों पे आई कि पूरा देश इस सरकार के इस बिल के खिलाफ है, थर्मामीटर डाल के पूरा बुखार नाप लिया है, लेकिन सरकार को बुझ में नहीं आया। तो सरकार जो 22 जनवरी की जो हियरिंग हुआ उसमें 4 हफ्ते का समय मांग लिया कि 4 हफ्ता दीजिए जवाब तैयार करके देने के लिए, 6 हफ्ते का मांग किया तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया। वो समय सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को दिया है, हमको क्यों दिया मालूम है 4 हफ्ते का समय? कि इस मुल्क में अब तक सिर्फ 150 शाहीन बाग हुए हैं और इस मुल्क में 638 जिला है, हर एक जिले में शाहीन बाग खड़ा कर दो, इस 4 हफ्ते के अंदर हर गली में शाहीन बाग खड़ा कर दो, इसीलिए इस 4 हफ्ते का मौका दिया गया। मैं ये कहता हूं कि उजारने की बात करते हैं कि इतने जोर से बटन दबाइए दिल्ली के चुनाव में कि शाहीन बाग उजर जाए, ऐसा लगता हो कि मोदी और अमित शाह भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो अब उनको हटाने में दिक्कत आ रही है, जो दिल्ली का बटन दबाएंगे तभी उजरेगा। ये उजारने की राजनीति करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। उनके लिए मेरे साथ जवाब है, तुम कितने शाहीन बाग उजारोगे, हर गली मोहल्ले शहर से शाहीन बाग निकलेगा, उजाड़ना जितना उजाड़ना। तो ये जो पूरा मामला सीए एनआरसी और एनपीआर का आया, असम में जो एनआरसी हुई उस एनआरसी में 19,70,000 लोग उस रजिस्टर से बाहर हो गए। आपके यहां भी एक रजिस्टर होगा, जो लोग आ रहे होंगे मिल रहे होंगे बोल रहे होंगे उनका हस्ताक्षर साइन हो रहा होगा, तो 19,70,000 लोग उस रजिस्टर से बाहर हो गए। उसमें 15 लाख लोग हिंदू भाई हैं। अब आप ये देखिए कि मोदी और अमित शाह को ये लगा 50-60 लाख घुसपैठी मुसलमान होंगे इसमें, उसपे सवारी करके झारखंड का चुनाव जीतेंगे, बिहार का सफर तय करेंगे और बंगाल फतह करेंगे। लेकिन क्रोनोलॉजी उल्टी पड़ गई, 15 लाख हिंदू भाई आ गए। अब जब वो आ गए तो फिर क्रोनोलॉजी समझाने लगे, अच्छा ना पहले सीए लेके आओ फिर एनआरसी लेके आओ। अब आप देखिए एनआरसी जो हुई असम में उसमें किसका नाम नहीं आया? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद इस देश के प्रथम नागरिक हुआ करते थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनके परिवार वालों को अपनी नागरिकता पेश करने के लिए कागज नहीं मिले तो हम और आप किस खेत के मूली हैं भाई? जब इस देश के राष्ट्रपति का परिवार नागरिकता सिद्ध नहीं कर पा रहा तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? सब छोड़ दीजिए, असम में एक मुख्यमंत्री हुई अनवरा तैमूर, पहली महिला मुख्यमंत्री, वो भी अलीगढ़ की ही प्रोडक्ट है, ये भी बता दें आपको। और अनवरा तैमूर अपनी नागरिकता नहीं पेश कर पाए, मुख्यमंत्री थी उसी राज्य की, तो हमारा आप कौन है भाई जो पेश कर देंगे ये बता दें। तो बात तो कागज की है ही नहीं, सारी बात नियत की है। अब ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये लड़ाई लंबी है, लंबी इसीलिए है क्योंकि हम और आप सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, हम और आप एक गंदी विचारधारा से लड़ रहे हैं, एक ऐसी विचारधारा जिसका नाम आरएसएस है, उससे हमारी लड़ाई है। इसीलिए उस गंदी विचारधारा से जो लड़ाई होगी वो लंबी लड़ाई होगी, इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरह से आजादी की लड़ाई इस मुल्क ने लड़ी उसी तरह से इस देश को आरएसएस से मुक्त कराने की जो ये लड़ाई है ये भी लंबी चलने वाली है, इसके लिए कमर कस लीजिए, इसके लिए तैयार हो जाइए। और अगर कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी
कुर्बानियां भी देंगे। हमने पहले भी दी है कुर्बानी इस मुल्क को बचाने के लिए, हमने आज भी दी है, हम कल भी इस मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह। तो सब लोग तैयार है इंशाल्लाह इस लंबी लड़ाई के लिए। ये जमीन मेरी जमीन क्या कागज मांग रहे हैं, जमीन क्या कागज मांग रहे हैं, ये जमीन मेरी, ये चमन मेरा, वो ताजमहल और लाल किला मेरा, और मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं, बताइए। ये जमीन हमारी है, चमन हमारा, ताजमहल हम बनाए, लाल किला हम बनाए, और तुम हमसे आके पूछते हो तुम कौन हो, हम बताते हैं हम तुम्हारी तरह किराएदार नहीं है, हम मालिक हैं, इस मुल्क के मालिक हैं। किराएदार तो वो लोग थे जो 47 में पाकिस्तान चले गए, हम मालिक थे इसीलिए इस मुल्क में रुके और आज भी मालिकाना हक रखते हैं। जब कोई कागज मांगने आए ना घर पे, कागज मांगने पर पिछले 3 दिन अब और इनको इस खड़ी हुई पुलिस को हम ये बताना चाहते हैं कि आपको भी मालूम है इस मुल्क के अंदर 1600 भाषाएं बोली जाती है, 1600 भाषा, और दो ही आदमी हैं जिसको रोजाना अलग अलग भाषाओं में कोसा जाता है, उसका नाम आपको मालूम है जिसको कोसा जाता है 1600 भाषा में। इस मुल्क में सिर्फ 2 आदमी है जो अलग अलग भाषाओं में, जो माओ की, जो बहनों की आहें लेता है, जो बहनों की जो दर्द है जिसको नहीं समझता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये लंबी लड़ाई है, इस लंबी लड़ाई के लिए हम तमाम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि 31,000 लोग हैं जो इन 3 मुल्कों में हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जिनको वो नागरिकता देना चाहते हैं, इसीलिए वो ये कानून लेकर आए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि 31,000 नहीं, अगर इस दुनिया में किसी को भी सताया गया उसके लिए आप हिंदुस्तान के दरवाजे खोलो, और 31,000 नहीं तुम 31,00,000 लोगों को लेकर आओ, मुसलमान अपने घरों में रखेगा, उनको अपनी जमीन देगा। हमारी ये तारीख नहीं है कि जिसको भी इस मुल्क में, इस दुनिया में कहीं सताया गया उसको हमने जगह दी है, आपको देने की जरूरत नहीं है। 31,00,000 पीड़ित लोगों को हम जमीन देने का काम करेंगे, हम उनके घर बनाने का काम करेंगे। हमारा दीन इस बात को सिखाता है कि अगर किसी के ऊपर भी जुल्म होता है इस दुनिया में, आपके पड़ोस के अंदर किसी के ऊपर जुल्म होता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके साथ खड़े होइए, जालिम के साथ नहीं खड़े होइए। आज भी हम वही कर रहे हैं कि इस जालिम तानाशाह के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन हम उन तमाम मजलूमों के साथ खड़े हैं। और आप 31,00,000 लोगों को बसाइए, हमारे यहाँ बसा दीजिए, लेकिन इस काले कानून को वापस ले लीजिए। पहले तो वो आते हैं, वो हमें डराते हैं, पहले आते हैं वो हमें डराते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, गोलियां चलाते हैं, फिर वो हमें जान से मार देते हैं। ऐसा भी होगा किसी दिन गोली मार देगी पुलिस, जान से मर जाएंगे, लेकिन एक बात है कि जान से भी मर जाएंगे तो उनके पास क्या मिलेगा, उनके पास मेरी लाश मिलेगी, उनके पास क्या नहीं मिलेगा, उनके पास मेरी हिमायत और जी हजूरी नहीं मिलने वाली। तुम मेरी लाश ले सकते हो, मुझसे मेरी हिमायत नहीं ले सकते, मेरी जी हजूरी नहीं ले सकते, हम तुम्हारे सामने जी हजूरी नहीं करेंगे। क्योंकि हम वो लोग हैं जो तारीख लिखते हैं, हम वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश के संविधान को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार है। अब जब कागज मांगने आए तो अपने आगे की मिट्टी एक मुट्ठी में उठाइए, अपनी माओ से कह रहा हूं, अपनी बहनों से कह रहा हूं, क्योंकि आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जब कागज मांगने आए ना तो एक मुट्ठी मिट्टी उठाइएगा और उस ऑफिसर से बताइएगा
कि तुम हमसे हमारा कागज मांगते हो। देखो ये मेरे घर की मिट्टी है जिसमें मेरा खून शामिल है, जिसमें मेरा पसीना शामिल है। ये इस बात की शहादत देता है, गवाही देता है कि हम इस मुल्क के शहरी थे, इस मुल्क के शहरी हैं और इसी मुल्क के शहरी रहेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क इस मिट्टी को उठा के उनको कह दीजिएगा कि इस मिट्टी में हमारे दफन हमारे उलमा इकराम है, हमारे आबा उस्ताद हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया। ये गवाही इस मुल्क की मिट्टी देगी, कोई कागज इस बात की गवाही नहीं दे सकता। हम तुम्हें किसी तरह का कागज नहीं दिखाएंगे। और उनको बढ़िया से एक आध कप चाय पिलाइएगा, मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है हमारे यहाँ की। एक कप नहीं दो कप चाय पिलाइएगा, असली वाला पिलाइएगा, मोदी की झूठी चाय मत पिलाइएगा। और चाय पिलाने के बाद कहिएगा कि सामने जो रास्ता जा रहा है ये पटना होते हुए दिल्ली मोदी के पास जाता है, वही चले जाओ, कोई कागज नहीं दिखाने वाले। और उनसे ये कहना है कि तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज आवाज नहीं आ रही है, हम कागज बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। किसका? इधर अम्मा खड़ी है, इधर ये खड़ी है, 70 साल उम्र होगा इनका, ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कीजिएगा, 70 साल उम्र होगा। इनसे मोदी जी क्या कह रहे हैं कि अपनी अम्मा का और अपने अब्बा का सर्टिफिकेट लेके आइए। अब देखिए अम्मा से पूछेगा कि इनके बेटा कब पैदा हुआ, इनका नहीं इनके बेटा का, तो अम्मा बोलेंगे कोसी का क्षेत्र है, तो उस साल बार बहुत आने रहा है, बार बहुत आने रहा है, उस साल बहुत ही बार आने। तो आप सोचिएगा कि 87 में भी बार आया और 90 में भी आया, कौन सा साल है पता नहीं चलेगा। महीना पूछिएगा पुड़वैया चलता रहा है, पछवैया चलता रहा है। तो जिस मुल्क में